स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर देश का कोई दूसरा शहर, शहरों का नाम बदल जाता है लेकिन ना तो बुजुर्गों का दर बदलता दिखता है और ना ही उनकी किस्मत। दिलवालों की दिल्ली के ही एक वृद्धाश्रम में बीते 2 महीने में 36 लोगों की मौत हो गई है। मौत के कारण पूरे आश्रम में दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत का ये आलम है कि यहां रहने वाले बुजुर्ग आपस में बात तक नहीं कर रहे। बुजुर्गों की मौत के लिए सुविधाओं की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। करीब 300 बुजुर्गों वाले इस आश्रम में मेडिकल सुविधा तो दूर, पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ये तो महज एक वानगी है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक दर्द का दरिया बहा देने वाली ऐसी तमाम तस्वीरें नुमाया होती हैं। इन तस्वीरों में बुजुर्गों का दर्द छिपा है, उनके घर की याद छिपी है, बची खुची जिंदगी की बेहतर आस छिपी है, उम्मीद का धागा छिपा है और छिपा है घर से बुलावे का इंतजार। नहीं नहीं अच्छा लगता। मारते जीजी, जीजी मारते हैं तो। कौन जीजी मारती है? क्यों मारती है? कौन छोड़ गया यहाँ पे? क्या भाई छोड़ गए? इधर देख के बोलिए मेरे साथ। क्या भाई छोड़ गए? अगले भाई, अगले भाई चाचा जी छोड़ गए। घर जाना चाहती हैं वापस? हाँ। इधर देख के बोलिए। जाऊंगी घर, चुप करके जाऊंगी। कौन आएगा लेने? चाचा जी, अगले भाई। आप अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं? उन्होंने नहीं रखा अपने साथ? नहीं रखा, मारा पीटे कौन रहेगा? ये देखो गुरुद्वारे हमारा आया था भी। आप खाना कहीं को नहीं देखा? नहीं नहीं, ये देखो निशानी मार पीट के खाना पड़ता है। अच्छा चुप हो जा। वो मैनेजर है, 22,000 तनख्वाह लेता है, बीमे का काम करता है, लड़के उसके ये मोबाइल है ना, इसके कवर बेचते हैं, बिजनेस करते हैं। आप कितने दिन से आश्रम में रह रहे? मेरे को बेटा कम से कम 3रा साल हो रहा है। और ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर क्यों इस हालात में पहुंच गए हैं ये तमाम वो बुजुर्ग। पायल हमारी सहयोगी एक वृद्धाश्रम के बाहर मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। पायल, बुजुर्गों की यह हालत, क्या कुछ वो आपसे बात करते हुए कह रही हैं, क्या कुछ उन्होंने बताया है? प्रशांत, बिल्कुल, यहाँ पर हम एक वृद्धा आश्रम में हैं, लेकिन पहले तस्वीरें देखिए इस आश्रम की हालत कैसी है। सर, यहाँ पर हमने सुना कि पिछले एक महीने में सिर्फ तीन वाटर टैंकर यहाँ पर आए। पानी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो हाइजीन की है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखाती हूँ इस वृद्धाश्रम में। सिर्फ ये अब वृद्धाश्रम नहीं रह गया है, ये एक केयर सेंटर बन गया है। यहाँ पर ओल्ड लोग भी हैं, साथ में यंग लोग भी हैं जिनको उनके घर वालों ने यहाँ पे छोड़ दिया है। कुछ हमारे साथ यहाँ पर अंकल आंटी हैं, उनसे पहले बात करती हूँ। आंटी, आप यहाँ पर कब से हैं? एक साल। एक साल से? किसने छोड़ दिया? मैं, हमारे पड़ोस में रहते थे तो 25 साल से हम इकट्ठे रहते थे, वो मेरे को अपनी गाड़ी में बिछा छोड़ गए। अब वापस जाना चाहेंगे? नहीं नहीं जाना चाहते। क्यों? मैं यहीं पर खुश हूँ। यहीं पे खुश? कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है बेटा, दो टाइम भगवान का भजन होता है। हाँ। भगवान ने छत दी रहने के लिए दो टाइम। कुछ प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवि सर बहुत अच्छे हैं, मैडम बहुत अच्छी हैं। चलिए अंकल, आप कहाँ से हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से? बैंगलोर से दिल्ली कैसे आए? ट्रेन में। ट्रेन में? कौन छोड़ गया? कोई नहीं छोड़ा, मैंने खुद ट्रेन में चला। अच्छा, आपने डिसाइड किया खुद आने का? बच्चे, मेरे डिसीजन में यह मैं बुक था। आपने खुद डिसाइड किया? आपके बच्चे कहाँ पे? कोई बैंगलोर में, कोई बॉम्बे में। एक कभी फोन करता है कोई? नो। व्हाई? क्योंकि एक फैमिली डिस्प्यूट है, सो दे डोंट वांट टू हैव मच कनेक्शन। फैमिली डिस्प्यूट है इसलिए? आपको याद नहीं आती? याद आते हैं। यह ज़्यादा है बस, इससे कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। जी, आप कितने बच्चे हैं आपके? तीन। तीन बच्चे? कोई भी नहीं पूछता आपसे? नहीं। वापस नहीं जाना चाहते? वापस के जाने या नहीं जाने का मामला अभी डिस्कशन में चल रहा है, तो अभी देखता हूँ क्या होता है।
अच्छा, वो आपसे बात हो पाती है उनकी? बात हुआ नहीं, होने की उम्मीद है। अच्छा, आप उम्मीद कर रहे हैं। आंटी, आप यहाँ पे कब से हैं? 3 साल से बैठी हूँ। 3 साल से हैं? कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की, 3 लड़के हैं। क्या हुआ था, क्यों यहाँ पे आ गए? बस सबको लूट फूट लिया, छोटे ने, बड़े वाले ने। अच्छा, बड़े वाले अपने जायदाद का हिस्सा 4.5 लाख ले लिया, इसने अपना भी ले लिया 6 लाख, मेरा भी ले लिया 3,000, महीने खर्चा भी लेता था पेंशन का, और मारो पीटो। और कहता है मेरा पैसा निकल गया 32 लाख रुपये। 32 लाख किसका निकल गया, रो गया नहीं, वो 32 लाख इसने अपने ससुराल को मारते पीटते थे। बहुत मारा बेटा। कैसे? बस बाथरूम में मारो, तलवार से मारो, घुटने यहाँ रख के ये दबाए ये दबाए। कैसे मारते थे? कभी कंप्लेन नहीं करी? मैंने नहीं करी। वैसे झूठ कहता है, मेरी ओल पर, मेरे बड़े लड़के पर माँ ने केस चल रहा, मैंने नहीं करी। जब मैं चलने वाली नहीं हूँ, मैं कंप्लेन कर दी, पुलिस का आना बड़ा सा आना, निकलना बड़ा, ये तो पैसा देके छूट जाता, मेरे को कौन रख, मेरे साथ कोई होता, पैदा होंगे तो 5 मिनट में माँ की डेथ होगी। फिर मैं किसी से नहीं रखा, 32 लाख अपने ससुराल को देकर, लंदन में रहते हैं, वहाँ बिजनेस चला रहे, खूब खा रहे, हटा रहे, 30 तोले सोना ले लिया। मारते कैसे थे आपको? बाथरूम में जब मरने लगे, मैं आपको मकान लेके दूंगा, तो मेरे बच्चियों के साथ क्यों बोलती है, मेरी और उसके साथ क्यों बोलती है, कपड़ा नहीं दे, आप जैसे लड़की बन गई को बहन, उसने छोड़ दिया तो सलाह लिया, नंगी नहीं बैठी हूँ मैं, पैदे में मरी नहीं हूँ, बादशाह के बच्चियों को पल ली हूँ, अब मैं मर रही हूँ, मेरे को घर जाने के लिए, मैं जी कर नहीं, भगवान जा तो उठा ले, नहीं तो कोई वसीला बना, घर जाना चाहेंगी? नहीं घर नहीं, मेरे को कोई ऐसा वसीला बना को रख ले, मैं गुरुद्वारे में बैठूँ कि था कर, इस दिन सुनूँ, आप कोई मेरे को रखेगा, मैं 3-4 हज़ार खर्चा देंगे, मैं कथा सुननी है बस, और कुछ नहीं, मैं यहाँ कोई बुकिंग, आप देखो मेरे बक्से में कम से 15-20-30 पैकेट हैं बिस्किट के, फ्रूट रखा है खा, सब कुछ, इसने पंजाब जी महीने ला ली, दो गाजियाबाद ले ली, फिर कहा था और 22,000 बेटा ये तनख्वाह लेता है, गुरुद्वारे में हम नहीं दे रहे, लड़के इसके कमा रहे, बिजनेस कर रहे। अंकल, आप कहाँ से हैं? हम आया दिल्ली से। हाँ, पहले वेस्ट बंगाल था। हाँ, वेस्ट बंगाल से दिल्ली आया, आज 45 साल हो गया। 45 साल हो गया। अच्छा, यहाँ कैसे आ गए? हमको एक वृद्धाश्रम आया गवर्नमेंट वाला, वो हमको इधर भेज दिया, उसको सीट कम थी था, बोला इधर जाओ, कुछ गड़बड़ होगा तो मैं ले लूँगा, तो इधर आया मैं, 1 साल हो गया इधर, हम सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, खाना पीना रहना कुछ नहीं प्रॉब्लम, सब सही है। बच्चे हैं? नहीं, हम नॉन मैरिड। नॉन मैरिड है? आई एम विकलांग। विकलांग, लेफ्ट हैंड एंड राइट लेके विकलांग। अच्छा, फैमिली में कोई है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है फैमिली, कोई नहीं। अंकल, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। तो फैमिली में कौन कौन है? ऐसे फैमिली में सब हैं हमारे, लेकिन मैं बैचलर हूँ, मैंने शादी नहीं की। हाँ। मेरी सर्जरी हुई थी सफदरजंग में। हाँ। और मैं यहाँ आया, 2 महीने बेड रिडन रहा। हाँ। आज मैं इस महाभारत का अर्जुन हूँ। अच्छा। मैं यहाँ का टीम, इस महाभारत के अर्जुन है आप? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पहुँचे कैसे? मैं वही सर्जरी हुई थी तो मेरा वहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हाँ। और मुझे यहाँ का नंबर मिला, मैंने फोन मिलाया, बोला आइए यहाँ, आज हर तरह की सुविधाएं आपको मुहैया करा दी जाएगी। हाँ। और मैं ठीक यहाँ हो गया, आज मैं समझ लीजिए सब कुछ हूँ यहाँ पर, सब इन सब का लीडर मैं ही हूँ, टीम लीडर। अच्छा, टीम लीडर है, आप अपने आप को समझते हैं यहाँ पे? हुई ही। कुछ कुछ परेशानी यहाँ पे? परेशानियाँ एक बता रहा हूँ, वैसे मेरा डेजिग्नेशन जो है यहाँ, जो हमें संस्था ने दी है, एक तो रेस्क्यू करने की है और दूसरी हॉस्पिटल अटेंडेंट की। तो हॉस्पिटल जो आज ले जाता हूँ मैं पेशेंट को, हाँ। तो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है जो दिखाऊंगा आपको। हाँ। उसमें ये लिखा जाता है कि आपके यहाँ मोस्टली जितने भी हैं डिहाइड्रेट का प्रॉब्लमेटिक है, पानी का प्रॉब्लम। हाँ, हमारे पास ORS है, हमारे पास ग्लूकोज है, लेकिन पानी नहीं है जो घोल के मैं पिलाऊँ। हर प्रिस्क्रिप्शन पर देखेंगे आप कि 3 लीटर से 4 लीटर पानी लोगों को पिलाइए। बिल्कुल, पानी की कमी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आंटी, आप कहाँ से हैं? मैं केरला से है। केरला से आए हैं। घर में कौन कौन है? मेरा कोई भी नहीं है। क्यों? एक सिस्टर है, सिस्टर का बच्चोड़ा का, और कोई नहीं है। आपको कैसे, आप यहाँ पहुँच गए? मैं, मेरा फ्रेंड लेके आया है इधर। हाँ। मैंने बोला कहीं रहने की जगह नहीं है, फिर इधर लेके आया। अच्छा है, फिर अच्छा देखभाल करते हैं, रवि सर बहुत अच्छा है,
बहुत सारी यहाँ पर ऐसी कहानियाँ है प्रशांत सर, आप कहाँ से हैं, क्या करते थे? I'm from Delhi. I was there in Air India. उसके बाद रिटायर कर लिया अपने आप को और यहाँ पे आ गए। रिटायर कर दिया। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में बच्चा है, मेरी सिस्टर बड़ी वाली और एक बड़ा भाई है। क्यों नहीं फैमिली में रहते? फैमिली में क्यों नहीं रहते? फैमिली में मैं कैसे रह सकता हूँ, अपनी सिस्टर के पास थोड़ी रह सकता हूँ। मेरी सिस्टर ने यहीं पर रखवाया कि मेरे को बिल्कुल सामने रहे बेचारे। उसने ये बिल्कुल बोला था कि जॉली मेरे सामने रहोगे और मेरे को पता है कि तुम कहाँ पे हो। और ऑलमोस्ट एक हफ्ते में एक बार बात करता हूँ मैं उनसे। फैमिली से? हाँ। शादी करी आपने? करी थी, स्प्लिट हो गए। स्प्लिट हो गए। कोई बच्चे? एक है, कोई बात नहीं, देखेगा। कोई बात नहीं होती? क्यों? होती है, सिस्टर के पास है जरिए बस। ये मेरी सिस्टर ही है जो सारा कुछ करवाया, सब कुछ यहाँ पे मेरे को यहाँ लाए। आई वुड लाइक टू ऑलवेज थैंक मिस्टर कालरा हु हैड मेट माय सिस्टर एंड शी डिड एवरीथिंग। शी इज माय एल्डेस्ट इन द सेंस शी इज माय मदरली फिगर एंड शी इज ऑलवेज डन एवरीथिंग फॉर मी विद ऑन द पास्ट। पीछे से खड़े हो गए जो मर्जी, लेकिन उसने प्यार सबसे छोटा हूँ ना अपने घर में। हाँ। सबसे ज्यादा प्यार भी बहुत करती थी मेरे। अच्छा, वापस जाना चाहेंगे? वापस कैसे बताओ? जाएंगे घर वापस। घर जाएगा क्या मतलब, घर ही है मेरा, ये तो सबसे बड़ा अच्छा घर है। जैसे घर मेरी सिस्टर ने इतना बढ़िया घर दिला दिया मेरे को, और क्या चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पानी की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। पानी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होनी चाहिए मैम, चाहे वेदर और गवर्नमेंट सर्विस। एक महीने 3 टैंकर आएंगे तो कैसे चलेगा ये पानी का, पाइप से पानी कैसे लेंगे हम? बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे कुछ दिक्कतें ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं ये कहते हैं कि कुछ फैमिली में ज़रूर प्रॉब्लम थी और इसलिए वो छोड़ गए, लेकिन पानी एक यहाँ पर समस्या है। और साथ ही हमने जैसे उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डिहाइड्रेशन की सबसे बड़ी समस्या आती है, लेकिन एक बात है कि हमको अपने बुजुर्गों को ज़रूर देखना चाहिए। बिल्कुल, और इन तस्वीरों से ये जाहिर होता है कि अपने ही ये पराए हो गए, लेकिन जहाँ पहुँचे हैं वहां भी कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद ये कि यहाँ कुछ और सुविधा जो मूलभूत जरूरत की चीज है वो कम से कम इन आश्रमों में अब लोग इन्हें मुहैया कर